पुलके दीपक हरदल में है ऐसन करा मातबा, नेता नगरी के काला चिट्ठा अब की खुले जातबा, हर काबा यूपी में काबा। बड़ी रंग झालवा किसानन के छाती पे रोंदत मोटर कार बा, ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा, ए बाबा काबा यूपी में काबा। उत्तर प्रदेश चुनाव के बीच मशहूर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने यूपी में काबा गाना गाकर देश भर में सुर्खियां बटोर ली हैं। उनके इस गाने के बाद से भाजपा के अंदर या कि कहें वहां की सरकारों के अंदर खलबली सी मच गई है। तमाम लोग इनके जवाब में गाना गा रहे हैं। खुद रवि किशन भारी आवाज़ में गाना लेकर आए, कई और गायिका भी सामने आई, लेकिन नेहा सिंह राठौर के गाना को कोई टक्कर दे नहीं पाया। हाँ, नेहा सिंह राठौर को ट्रोल जरूर किया गया, उन्हें कई अपशब्द कहे गए, बैड लुकिंग तक कहा गया, कई लोगों ने ट्वीट करके उनको ट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन नेहा सिंह राठौर झुकी नहीं है। उन्होंने यूपी में काबा का पहला वर्जन, फिर उसके तुरंत बाद दूसरा वर्जन, अब तीसरा वर्जन लेकर के आ रही है। दो वर्जन भी काफ़ी हिट हो गया है। नेहा सिंह राठौर ने इसी दरमियान एक ट्वीट भी किया जिसमें एक बच्ची उनका ही गाना गा रही है। उन्होंने लिखा है कि मुझे ट्रोल कर सकते हो लेकिन उनकी आवाज़ को बंद करके दिखाओ तब माने, अगर दम है तो इनकी आवाज को बंद करके दिखाओ। के दरबार बा तब रोजी गार बा, हाथ राज के निर्णय जो है लड़की के परिवार बा, ए बाबा क्या बा यूपी में क्या बा। कोरोना से लाखन मर गए, लाखन से गंगा भर गई, कोरोना से लाखन मर गए, लाखन से गंगा भर गई, तो नेहा सिंह राठौर की पॉपुलरिटी तो बढ़ ही रही है, साथ ही साथ उनके गाए हुए गीत में इतना व्यंग है, इतना तंज है जो सीधे उन राजनीतिक पार्टियों को चोट करती है जो सत्ता में आकर काम नहीं करते हैं। कोरोना काल से लेकर के तमाम गड़बड़ियों को दिखाते हुए वो पूछ रही हैं यूपी में काबा। कई ऐसे छोटे छोटे क्लिप्स आप यहाँ पे देख रहे होंगे जिसमें नेहा सिंह राठौर बहुत ही बेबाकी से, बहुत आसानी से, कम म्यूजिक के साथ अपनी बातों को एक रैप के माध्यम से वो सुना दे रही हैं, जिससे लोगों तक बातें डायरेक्टली पहुँचती हैं और वह चीज़ें टच करती हैं। अब इनके जवाब में कई ऐसे गाने बन भी रहे हैं, बावजूद इसके नेहा सिंह राठौर का कोई जोर नहीं है और नेहा सिंह राठौर इन ट्रोलर्स से डरी नहीं है, बैक टू बैक वीडियोस बना रही हैं। अब तीसरा वर्जन जो उनका आ रहा है उसमें यूपी की कौन सी कमियां उजागर होंगी उस पर भी नज़र बनी रहेगी, लेकिन लगातार जो दो वर्जन आया, पहला और दूसरा, वो बेहद ही धमाकेदार और चुभने वाला था। इस वजह से नेहा सिंह राठौर को ट्रोल भी किया गया, लेकिन नेहा सिंह राठौर लगातार सरकार के कारनामों, यूपी में कमियां, इन तमाम मुद्दों को उजागर कर रही हैं, जिसे राष्ट्रीय मीडिया भी हाथों हाथ बटोर रही हैं। उन्हें स्पेस मिल रहा है और उनकी बातों को ठीक ढंग से परोसा भी जा रहा है, समझाया भी जा रहा है, जिसके कारण वहां के राजनीतिक दलों में, खास करके सत्ताधारी पार्टी में जो है उन्हें ठेस पहुँच रही है। बदले में वो गाना गा रहे हैं यूपी में सब्बा, यूपी में योगी बाबा बा, बावजूद इसके कोई असर दिखाई नहीं दे रही है।